तो गाइस अगर आपका बजट है 15,000 रुपए के आसपास और उसमें आपको चाहिए एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। परफॉर्मेंस के हमने नंबर 1 पर रखा है और नंबर 2 पर रखा है 120Hz की स्मूथ डिस्प्ले तो होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बेस्ट 4 स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा है जिनको आप खरीद सकते हैं 15,000 रुपए के बजट के अंदर। तो इन सभी स्मार्टफोन में आपको एक पावरफुल चिपसेट मिल जाता है, 120Hz की स्मूथ डिस्प्ले मिल जाती है वो भी एमोलेड, इसके अलावा 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 8GB की रैम मिल जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और हाँ, यहाँ पर मैंने कोई भी रैंकिंग वाइज स्मार्टफोन नहीं रखे हैं, सारे ही बेस्ट स्मार्टफोन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपका जो चौथे नंबर वाला स्मार्टफोन है जो कि मोटोरोला की तरफ से आता है, मोटो G62 5G स्मार्टफोन है। देखो गेमिंग के लिए जो स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए वो सारी स्पेसिफिकेशन आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाती है। यानी यहाँ पे ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है और काफी लाइट वेट सा स्मार्टफोन है। अगर आप इसको हाथ से पकड़ते हैं तो काफी हल्का फील होने वाला है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो गेमिंग के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है कि स्मूथ डिस्प्ले होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको मिलती है। यानी IPLCD पैनल मिलता है, 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले एंड पंचोल कटआउट के साथ मिलती है और HDR10 का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो गेमिंग के लिए स्मूथ डिस्प्ले मिलती है, कलर्स वगैरह अच्छे हैं और ब्राइट डिस्प्ले आपको मिल जाती है। इसके अलावा इसके कैमरे से खास उम्मीद मत लगाना, क्योंकि जो मेन कैमरा 50MP का 8MP का अल्ट्रा वाइड और इसके फ्रंट में 16MP की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन की एवरेज है, यानी नॉर्मली फोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट है। देखो परफॉर्मेंस में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 40fps तक आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं। लाइक 20,000 रुपये के स्मार्टफोन के अंदर भी आपको ये चिपसेट मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्टेबल चिपसेट मिल जाता है। और यहाँ पे 5000mAh की बैटरी है, 20W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है जो कि बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है। और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं तो ऑडियो का आउटपुट अच्छा है। और 3.5mm हेडफोन जैक यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 15,000 रुपए के अंदर, चेकआउट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे क्या है कि आपको एड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं सभी स्मार्टफोन में, बट इसके अंदर आपको एड्स वगैरह एक भी नहीं मिलेगा और थिंग शील्ड की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो अगला स्मार्टफोन है जो कि पोको की तरफ से आता है, पोको X5 5G स्मार्टफोन है। तो गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर हाईलाइट पॉइंट है इसकी डिस्प्ले। यानी इसके अंदर जो डिस्प्ले मिलती है ना वो इस प्राइस रेंज में किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलती है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो बैक में प्लास्टिक बॉडी है, डिजाइन वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलती है एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर लाइट वेट सा स्मार्टफोन आपको मिल ही जाता है। तो अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलती है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसके साथ 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले एंड 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस है। अगर आप इसको बाहर धूप वगैरह में भी चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। तो नो डाउट डिस्प्ले में आपको कलर्स वगैरह और गेमिंग के लिए स्मूथनेस अच्छी मिल जाती है। कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन की अच्छी मिल जाती है, यानी डेलाइट कंडीशन में अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से, क्योंकि मेन कैमरा 48MP का है और क्योंकि 13MP की सेल्फी है तो इसके बैक कैमरे से आप ओनली 1080 में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे। इसके अलावा यहाँ पे यूज किया गया क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट है। देखो परफॉर्मेंस में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 40fps तक इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं और हीट वगैरह भी ये स्मार्टफोन नहीं होगा, कूलिंग सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा 7 5G के बैंड्स मिल जाते हैं, 5GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं जो कि किसी काम की तो लगती नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 3AA स्लॉट मिल जाता है और 3.5mAh हेडफोन जैक भी मिल जाता है और 5000mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है भाई 16,000 रुपये के अंदर आपको ये स्मार्टफोन मिलता है। यानी 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आए दिन बैंक वगैरह ऑफर्स चलते रहते हैं तो कार्ड वगैरह लगा के आप 15,000 रुपये के अंदर आराम से बाई कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जितने भी मैं स्मार्टफोन बता रहा
रहा हूँ उन सभी के आपको बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप रिसेंट ही चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस चेंज हो जाती है तो बाद में कमेंट करते हैं कि भाई प्राइस चेंज हो गई और आपने इतनी प्राइस में बताया, फेक वीडियो बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है ना तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अब आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेकंड नंबर पे आता है, इन्फिनिक्स नॉट 30 5G स्मार्टफोन है। अभी फिलहाल के अंदर ही लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। तो देखो, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है 20 से 22 हज़ार रुपये के फोन्स में आपको मिलती है। तो अब इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है, थोड़ा बड़ा स्मार्टफोन है क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाती है एक बड़ी डिस्प्ले। एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 पर रन करता है और काफ़ी हैवी सा स्मार्टफोन है, क्योंकि 204 ग्राम का ये स्मार्टफोन मिलता है। तो अब इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं और अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 7 इंच की एक IPLCD पैनल मिलती है और 120 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले, 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है, जो कि पंचोल कटआउट के साथ मिलता है, और NEG ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और 580 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। अगर डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो कलर्स वगैरह तो आपको अच्छे मिल ही जाते हैं, लेकिन स्मूथनेस भी आपको अच्छी लेवल की मिल जाती है, तो गेमिंग में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। इसके अलावा कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन की एवरेज है, यानी भले ही यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन कैमरा क्वालिटी आपको नॉर्मल मिल जाती है। और यहां पर फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो बैक कैमरे से आप इसके 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे, तो कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक फोटो क्लिक कर सकते हैं। एंड यहां पर यूज किया गया मीडियाटेक का डायमेंसिटी 680 वाला चिपसेट है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। NM वाला प्रोसेसर है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है। 7 से 8 5G के बैंड्स मिल जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जो डायमेंसिटी के 700 और 810 चिपसेट है उससे अपग्रेड चिपसेट यहाँ पर आपको मिल जाता है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा, 40fps तक आप इसमें गेमिंग कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, 4GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं, और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि इस JBL के स्पीकर्स हैं। ऑडियो की क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी लेवल की मिल जाती है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी है, 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो आप अगर खाना वाना खाते हैं या नहा के आते हैं तब तक आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 वेरियंट मिलते हैं, यानी 4GB रैम, 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिलती है 15,000 रुपये के अंदर, और बैंक वगैरह ऑफर लगा के 13,000 रुपये मिल जाएगा। 8GB रैम, 256GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिलती है 16,000 रुपये में, लेकिन बैंक वगैरह ऑफर लगा के 15,000 रुपये में आराम से बाई कर सकते हैं। तो आप इस स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपका जो अगला स्मार्टफोन है जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से ही आता है, जो कि इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन है। देखो, इन्फिनिक्स क्या है कि कम बजट के अंदर अच्छे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है, यानी गेमिंग के टारगेट हो। कैमरा क्वालिटी में थोड़ा मात खा जाता है ये स्मार्टफोन, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर जाता है। लेकिन आपको तो गेमिंग करनी है ना, तो गेमिंग के लिए स्मार्टफोन अच्छा है। इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 पर रन करता है, बैक में प्लास्टिक बॉडी है, डिजाइन वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलती है, एंड काफी लाइटवेट सा स्मार्टफोन है क्योंकि 199 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो अब इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 7 इंच की एक IPLCD पैनल है, जिसके साथ 120 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले, 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है, 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, पंचोल कटआउट के साथ मिलता है। तो देखा जाए तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन की ठीक ठाक है, यानी मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा क्वालिटी आपको इस स्मार्टफोन की अच्छी देखने को मिल जाती है, यानी डेलाइट कंडीशन में अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर 5GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं। अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डायमेंसिटी 920 वाला चिपसेट है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, और यहाँ पर आप 60fps तक गेमिंग कर सकते हैं। और देखो, वैसे भी इस बजट के अंदर आपको कोई भी स्मार्टफोन नॉर्मली 40fps तक ही गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 60fps मिल रही है ना, वही बहुत है आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 16,000 रुपये के अंदर, आपको चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बैंक वगैरह ऑफर लगाते हैं तो 15,000 रुपये के अंदर आराम से ही बाई कर पाएंगे।
तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो भाई ये थे आपके बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन जिनको आप खरीद सकते हैं ओनली 15,000 रुपये के बजट के अंदर। तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो ही गया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन बाई करना चाहिए। यानी अगर आप एक अच्छी लेवल की गेमिंग करना चाहते हैं इन्फिनिक्स जीरो 5G के साथ जा सकते हैं जो कि अच्छा स्मार्टफोन है। सो गाइस अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।